ये ठीक है भाईजान, कहानी सुनाओ और पैसे कमाओ। आज तो मैं पाँच अबे बैठे तो हैं सामने, आज तो मैं 500 रुपये कमा के ही जाऊंगा। कैसी भी सुना दूंगा ना, क्या पता कैसी सुनानी। 500 रुपये कमाने हैं मुझे तो, बस 500 रुपये लेके जेब में डाल के अपने। अबे अस्सलाम वालेकुम भाईजान। हाँ ठीक है ठीक है, कुर्सी ले ले और सामने डाल बैठ। हाँ भाई कहानी शुरू कर, कहानी पर बिल्कुल सच्ची होनी चाहिए। हमारे अब्बू बताते थे एक राजा के 7 लड़कियां थी। अच्छा। उन्होंने 7ों की शादी एक जैसी करी, जरा सा भी फर्क नहीं छोड़ा। तो उसने बिल्कुल भी कमी नहीं छोड़ी। अजी अजी थोड़ा बहुत फर्क तो होता ही है। अबे उनके दूल्हाओं में तो फर्क था, कोई काला था कोई गोरा था। तुम्हें कैसे पता भाईजान? भाई जब तेरा बाप बता सके, मेरा बाप देख भी नहीं सकता काला गोरा। क्या जी, तो तू हमें झूठी कहानी सुना रहा है? अरे भाईजान रुको तो, भाईजान रुको तो, 500 रुपए निकाल जल्दी। ले लो लो 500 रुपए। बिल्कुल ठीक कह रहे हो भाई साहब, ये 500 का नोट तो आप रखो। ठीक है आप बड़े हैं और दूसरे मुर्गे की तलाश करो। हाँ हाँ कोई ना कोई फिर आएगा। 500 लेने थे, 500 देने पड़े, ठग बैठे हैं ठग। अब इनसे 500 रुपए कैसे वसूल करूं? शेख चिल्ली यहाँ बैठा, सामने से आता हूँ उसके पास। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम भाईजान। भाई शेख चिल्ली यहाँ बैठा? हाँ भाईजान। कैसा उदास बैठा भाईजान, क्या बताऊं? रोजाना की अम्मी रुखसाना को ले गई, अब मेरा घर में मन भी नहीं लगता। भाई क्यों ले गई, लड़ाई की होगी आपने? भाईजान एक बात बतलाओ, जब कहीं काम नहीं लगता तो कहाँ से कमा के लाऊं? और ऊपर से शराबी और क्या है मुझे। ओहो तो खाने कमाने की बात है, तुम क्या शराब पीते हो? भाई मैं कोई शराबी थोड़ी भाईजान, और मैं उसके गम में कभी कभी पी लेता हूँ। अब बताओ, और नू कह रही पैसे कमाने लगे तो ले जाना रुखसाना को, वरना आना मत। यार शेख चिल्ली को कहानी सुनाने वालों के पास ले जाता हूँ, काम बना तो ठीक, नहीं तो शेख चिल्ली अपने आप झेलेगा। भाईजान क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं कुछ नहीं। भाईजान तुम्हारे पास ऐसा कोई काम है जो मेरी रुखसाना आ जाए? हाँ है, पर वहाँ तो कहानी सुनाने की बात है। तुम पर कहानी सुनानी आती है तो बोलो। कहानी तो वो कैसी कहानी? बस ऐसे ही, जैसे गरीब की, हाथी की, घोड़े की, सांप की। हाँ यार सांप की कहानी मेरे पास आती है। मगर एक बात सुन, अगर कहानी सच्ची हुई तो 500 रुपए मिलेंगे। 500 रुपए मिलेंगे तो भाई जल्दी ले जा मुझे तो। पर एक बात और, अगर कहानी झूठी हुई तो मार भी सहनी पड़ेगी और 500 रुपए भी देने पड़ेंगे, मंजूर हो तो बता। हाँ भाई काम तो रिस्की है पर सुना दूंगा, तू तो साथ रहेगा। हाँ बस अगर मैं जरा सा झूठ बोलूं तो तू मेरा टोका सा मार दियो, बाकी मैं जानूं। टोका तो मैं मार दूंगा, मगर जो कमाएगा आधे लूंगा। हाँ ले लियो चल तो सही। ठीक है तो चल 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 भाई, हम देखेंगे झूठ सच क्या कहानी का। हमारे तो बड़ों ने सुनाई है सबको भैया। भाई एकदम बिल्कुल सच्ची कहानी है, मम्मू को कल शेर ने काटा। शेर ने काटा, कोई देखने को नहीं गया और हम देख के आ रहे हैं, उसकी हालत एकदम बहुत खराब है। भाई मम्मू की कहानी में तो दम है भाई। लाओ तो फिर मेरे 500 रुपए। इब तो भैया देने पड़ेंगे इसे। जरूर बिल्कुल, ये तो कोई बात नहीं हुई, 500 रुपए देने पड़ेंगे। रखा तो मैंने इसे जेब में था, कहाँ चला गया 500 का नोट? ले आज तो जत्ती दिखे 500 रुपए, ये बस जी तो कर नहीं रहा 500 का नोट लिख डन को। मेरे दिल में तो एकदम धक्का सा लग गया।
नहीं छोड़ेंगे तो। आज तक हमने लिया ही, आज पहली बार देना पड़ा। देखा ठहरो, क्या बात है भाई? भाई मुझे ना काटा किसी शेर ने, ना पकड़ा, ना ये मेरे घर गया, ये तो बिल्कुल झूठ बोल रहा है। रूबे हमें झूठी कहानी सुना रहा था। कसाई का माल कटड़ा खावे। मम्मू को शेर पे कटवारा, हमें झूठी कहानी सुना रहा, मारे साले को। मुझे छोड़ दो, चल चल भाग यहाँ से। मम्मू मम्मू एक मिनट रुकियो, सुनियो, बोनी अच्छी हो गई थी, अगर तू नहीं आता तो 500 रुपए जीत गया था मैं। 500 रुपए के चक्कर में मुझे शेर से कटवारा, मैं किसी कुत्ते से कटवा देता। बिल्कुल पागल समझ रहा हमें बड़े भाई को, दे पागल मान रहा, कसाई की घास को कट रहे खा जाएंगे। भैया उधर चल रहे, यहाँ गर्मी लग रही बहुत। चलो हाँ उधर उधर बिछाते हैं उधर। बैठे तो यहीं थे, पता नहीं कहाँ चले गए। ओ देखो नई पार्टी आली, यहीं थे, यहाँ तो नहीं है अब। यहीं पर बुला लो इन्हें। अरे भाई यहाँ आ जाओ, यहाँ आ जाओ, यहाँ आ जाओ। अच्छा जी वहीं आ रहे हैं। ठीक है आ रहे हैं, यहाँ आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। आलिए वहीं आलिए, चल भी चलो। यहाँ गर्मी ज्यादा हो रही, वहाँ बैठे छाए में जाके। चल भाई, चल भाई, आओ जी आओ। और सुनाओ। सुनाना के जी, आज मेरा यार से एक चिल्ली कहानी सुनाओ। अच्छा कुर्सी ला, कुर्सी कुर्सी ला। लो जी बैठो, बैठ भाई शेख जी, बैठ बैठ। करो शुरू। ठीक है भाई कहानी शुरू करो। शरद तो जानते हो ना हमारी। हाँ जी हाँ जी, मैंने सब बता दिया है। तो सुनाओ कहानी, सच्ची होनी चाहिए। अबे सच्ची होगी, सच्ची, चुप बैठो और सुनो। हाँ लो भाई, 500 रुपए लेने देने पड़ते हैं। हाँ हाँ हम लेंगे और आप देंगे। ठीक है हाँ तो सुनाओ क्यों भाई। सही बात है भाई। हाँ तो भाई जान, हाँ हाँ, अब मैं तुम्हें सांप की कहानी सुनाता हूँ। सांप तो सुनाओ जी। टोका मार दियो। हाँ तो भाइयों, हमारे गांव में एक सांप था, पूरे जंगल पूरे जंगल को यूं लपेट के चलता था, पूरा 500 मीटर लंबा था। अरे वाह, इतना लंबा सांप, आगे सुनाओ। शेख जी हाँ हाँ, बहुत ज्यादा लंबा हो रहा सांप। ठीक है कम कर दूंगा। सुनाओ सुनाओ सुनाओ। पर मेरा मुड़ता था नहीं। हाँ तो भाई मैं क्या कह रहा था, मेरे कहने का मतलब वो सांप आधे जंगल को घेर कर चलता था, अल्लाह झूठ ना बुलाए तकरीबन 300 मीटर लंबा था। वाह भाई वाह, बहुत खूब, आगे सुनाओ सुनाओ आगे। शेख जी हाँ। अब भी कुछ ज्यादा लंबा हो रिया। अच्छा चलो कम करता हूँ। हाँ हाँ तो भाई जान, देखो पैसे तो तुम्हें देने पड़ेंगे, ये तो पक्की बात है, लेकिन वो सांप एक तिहाई जंगल को घेर के चलता था, तकरीबन 100 मीटर लंबा था। ठीक है भाई जान मान लिया। शेख जी और कम करो। हाँ तो भाई जान, वो 50 मीटर लंबा था, गांव को घेर कर तो चलता ही था। शेख जी अब भी ज्यादा लंबा हो रहा जानते है कुछ क्या कहा, इतना लंबा सांप मान ले। अरे मैं पागल भी कह रहा, अरे मैं गाली भी दे रहा, अरे मारो ऐसे मिल के सारे मारो, 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 मारो,
अरे बड़े भाई के 500 रुपए। झूठी कहानी सुनवा मैं झूठी झूठी कहानी। अरे मरवा दे चिल्ली। बहुत दिमाग से खड़ा हो, जबर को खड़ा हो भाई। 500 मीटर लंबा सांप मध्यम। भाईजान ये लो 500 रुपए, जितना छोटा करना कर लो पर मुझे छोड़ दो भाईजान। क्या भाग गया से? ले भैया पूरा दिमाग सड़ा के फेंक दिया आज। भैया बड़े भाई ठीक है, फेर कमाई, मजा आ गया भाई। कहानी सुनाना आया था हमें।